हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं आलू मटर गोभी की सब्जी रेसिपी। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया मटर गोभी लिया और आलू, और यहाँ पे लिया छोटा छोटा कटा हुआ प्याज जिसको छोटे छोटे स्लाइस में काटा है, और ये है लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। और पैन में रख दिया हमने ऑयल गर्म होने के लिए। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया, इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, और जब तक हमारा जीरा भुनेगा अच्छे से सुनहरा होगा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी सब्जी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अब यहाँ पर जीरा हो गया है, अब डालेंगे इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, और इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। जब तक इसमें खुशबू ना आने लगे, ऑयल ऊपर आने लग जाएगा तब ये पकेगा। और यहाँ पे हमने एक कटोरी में लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, और इसमें हम डालेंगे पानी और इस पेस्ट को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया हमने वो पेस्ट बना के, फिर उसमें डालेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें सब्जी में जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अलग ही आता है, बड़ा ही अच्छा। अब वो पेस्ट भी हमने डाल दिया, अब करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से जब तक भुनेगा, अब इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला। और यहाँ पे मसाला जब इसमें ऊपर ऊपर तेल आने लगेगा समझ जाइए मसाला अच्छे से भुन गया। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, अब उसमें हमने डाल दिया आलू, और आलू को भी अच्छे से कर लेंगे हम इसमें मिक्स। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गोभी, और गोभी को भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर मटर, और इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे हमने डाला इसमें पानी पकने के लिए, और अब डालेंगे इसमें टमाटर और अच्छे से मिक्स करके इसको रख देंगे ढक के जब तक कि ये पकती है। और यहाँ पे देखिए हमारी आलू मटर की सब्जी अच्छे से पक गई है, और इसमें डालेंगे धनिया और तैयार है हमारी आलू मटर की सब्जी।